MBA फर्स्ट सेमिस्टर का सेकेंड पेपर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फुल मार्क्स 80, टाइम है 3 आवर्स। पहले आपको 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस करना है एंड ईच क्वेश्चन में 5 मार्क्स करके है, टोटल 40। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड प्योर इकोनॉमिक्स। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल मोनोपोलिस्टिक्स आर एक्सप्लोइटिव इन नेचर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, सपोज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज +4.5 बिटवीन प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, हाउ दिस टू प्रोडक्ट्स आर रिलेटेड टू इच अदर। पांच नंबर क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सेवन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसेशन एंड डिप्रेशन इन इकोनॉमी। एट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोली मार्केट विद अ सुइटेबल एग्जाम्पल। नाइन्थ, एक्सप्लेन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। टेंथ, एक्सप्लेन द फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। इलेवेंथ, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। ट्वेल्व, स्टेट द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन करना है एंड हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 13 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मार्केट क्लियरिंग प्राइस लेवल फॉर एयर कंडीशनिंग मशीन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस विद द डायग्राम, लाइक इंक्रीज इन पर यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सेलिंग फैन एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स। तो यार डिमांड कैसे बढ़ेगा या कमेगा ये आपको जस्टिफाई करना है विद डायग्राम। 14th का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। 4+6 करके डिवाइडेड है नंबर। 15th क्वेश्चन है, क्रीपिंग लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सपोज मिस्टर एक्स हैज गिवन रुपीज 50,000 टू मिस्टर वाई फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 7% इन दिस 2 ईयर्स ऑफ टाइम, हु विल बी द लूजर इन दिस सिचुएशन, एक्सप्लेन। Write a short note any to fixed cost and variable cost and ISO cost and ऊपर में ए बी में है stagflation and problem of moral hazard। 17 में discuss any method of measuring national income and 18 में define budget line and indifferent curve, explain the determination of consumer equilibrium using this two। तो बस ये था managerial economics का question paper। आपको अगर कोई मदद मिला है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।